हेलो दोस्तों, मैं हूँ सादिक। आज की वीडियो में हम बतलाएंगे कि पैशन प्लस बाइक ओल्ड मॉडल जो स्पॉक वाला बाइक है उसमें कौन सा रिम लगेगा, ओरिजिनल में कैसा रहता है, कौन सा स्पॉक लगेगा, इसी के बारे में वीडियो है मेरा दोस्त। तो हमने जो है सबसे पहले स्पॉक जो लिए हैं, ये जो स्पॉक है आगे चक्का का स्पॉक है। पार्ट नंबर आपका ये आपको दिखा रहा है। MRP ये हम नहीं फाड़े हैं, ये अभी शोरूम से लाए हैं, ये फटा हुआ था। ये आगे चक्का का पार्ट नंबर है, पूरा सेट है निप्पल स्पॉक के साथ। इसका लिया है 440 रुपये, पूरा स्पॉक कंप्लीट है मेरे दोस्त। उनके बाद ये दोनों मेरे पास रिम है, और रिम का आपको पार्ट नंबर हम दिखला देते हैं, देखिए। और आपको हम सही इसका MRP है 850 रुपया, एक रिम का 850। अगर दोनों का लीजिएगा तो 1700 रुपया इसका सिर्फ पड़ गया है दोनों रिम का। ये रिम आप आगे लगा दीजिए या पीछे लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। स्पॉक जो है मेरे दोस्त ये आगे का है, पीछे वाला स्पॉक अभी नहीं मिला है, हम बाद में लेंगे। उनके बाद रिम में क्या लिखा हुआ रहता है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल है। सबसे पहले तो स्टिकर सटा हुआ रहेगा, हीरो का स्टिकर, यहाँ लोगो वगैरह रहेगा, पार्ट नंबर भी आपको दिखलाएंगे, और रिम फाड़ करके भी आपको हम दिखलाएंगे कि रिम के अंदर क्या लिखा हुआ रहता है ओरिजिनल रिम में। तो वीडियो को हम थोड़ा पुश करते हैं। तो ये आप पार्ट नंबर देख सकते हैं मेरे दोस्त, जो K42 वाला आप देख रहे हैं, ये स्पॉक नेपल का है पूरा सेट। और नीचे वाला जो देख रहे हैं आप 44701, ये रिम है, फ्रंट व्हील आगे पीछे दोनों लगेगा, क्वांटिटी दो गो है, ये आगे भी लगा सकते हैं पीछे भी लगा सकते हैं। स्पॉक सिर्फ आपका ये वाला पार्ट नंबर आगे में लगेगा, स्प्लेंडर बाइक में भी लगेगा, पैशन प्लस स्पॉक वाला में भी लगेगा। ओरिजिनल रिम जो लीजिएगा तो उसमें ये लिखा हुआ रहता है 076 हीरो AC 1.60x18। इसी तरह से आपको ओरिजिनल रिम में लिखा हुआ रहेगा। और पीछे पलट के आपको दिखाते हैं, देखिए पीछे में भी आप देखिए इस तरह से लिखा हुआ रहता है। और ये वाला भी रिम जो देखिए दोनों एकदम सेम है। और ये वाला भी जो आप देख रहे हैं, देखिए आप इससे पहचान सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल रिम है या फिर लोकल रिम है। ठीक है मेरे दोस्त, स्पॉक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप UPI कोड से आप पता कर सकते हैं ओरिजिनल है या लोकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था वीडियो में बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।